आ जाएगी। तो गेस में सबसे पहले चैप्टर नंबर 15, ये चैप्टर नंबर 15 है जिसको भूल के वन लिखा हुआ है। तो ये चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 के शार्ट क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, जिनके आगे इम्पोर्टेंट मेंशन है ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बाकी जो जिनके आगे मेंशन नहीं है ये भी इम्पोर्टेंट हैं। जस्ट इम्पोर्टेंट मेंशन करने का मकसद ये है कि आप लोग पता चले कि कौन से क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ताकि उनको आप अच्छी तरह से तैयार करके जाएँ। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन, डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, व्हाट आर जीरोफाइट्स गिव एग्जांपल एंड फॉर अडाप्टेशंस। तो इनको आप जो है देख लीजिएगा, टोटल जो है 3 से 6 क्वेश्चन जो है इस पेज पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो इनको आप लोग देख लें, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 15 के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चार क्वेश्चन, तो इस पेज पर आप लोगों को 7 चार क्वेश्चन जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो इनको आप लोग जो है वो देख लें। बहुत ही आसान उसमें लिखा हुआ है और क्लियर लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। चैप्टर नंबर 15 के कुछ और क्वेश्चन हैं, ये 5 क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इन सॉरी 4 क्वेश्चन हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। ये लास्ट में जो है हीटरोथर्म्स के साथ व्हाट आर द पैरोजीन्स गिव देयर फंक्शन, ये अलग क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन जो है देख लें, फिर हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 16 की जानिब। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, 7 क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 16 के आप लोगों को पेज पर नज़र आ रहे होंगे, तो इनको आप लोग जो हैं जल्दी से देख लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टार्ट हो रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन्स से, टोटल 7 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर हैं पड़े, तो इनको आप लोग जो हैं देख लें। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 16 के लास्ट पेज इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन का, जो कि शुरू हो रहा है व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मूथ मसल्स से, और इस पेज पर भी तकरीबन 7 क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, और इन 7 में से 4 क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको भी आप लोग जो हैं वो देख लीजिएगा। फिर हम चैप्टर नंबर 17 के शार्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 के 6 क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को इस पेज पर नज़र आ रहे होंगे। तो इन 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप जो हैं देख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स गिव इट्स एग्जांपल से क्वेश्चन जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो इस पेज पर भी 6 हैं और ये लास्ट पेज है चैप्टर नंबर 17 का, मतलब टोटल 6 पहले पेज पर, 6 इस पेज पर, 12 चार क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो 2 पिछले पेज पर और 4 इस पेज पर, टोटल 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं। तो चैप्टर नंबर 17 के ये आप लोग क्वेश्चन देख लें, फिर हम चैप्टर नंबर 18 की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18,
तो चैप्टर नंबर 18 के आप लोगों को तकरीबन 7 क्वेश्चन जो हैं इस पेज पर नज़र आ रहे हैं। तो इन 7 क्वेश्चन में तकरीबन 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं और बाकियों को भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 18 के नेक्स्ट पेज पर जो है वो तकरीबन 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको भी आप लोग जो है वो जल्दी से देख लें। चैप्टर नंबर 18 के लास्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें से एक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप लोग देख लें। तो इस तरह ये चैप्टर नंबर 18 का लास्ट पेज है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 18 के बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 19 की जानिब। चैप्टर नंबर 19 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इस पेज पर आप लोगों के सामने 6 क्वेश्चन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इन 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से शुरू हो रहे हैं, तो इनको आप लोग जो है देख लें। फिर हम नेक्स्ट पेज पर चैप्टर नंबर 19 के शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर नंबर 19 के नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन है पेज पर, और जिनमें से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप लोग देख लें। फिर हम चैप्टर नंबर 20 की जानिब मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 20, तो चैप्टर नंबर 20 पे आप लोगों को 6 क्वेश्चन जो हैं अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और इन 6 शॉर्ट क्वेश्चन में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप लोग जो हैं वो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन के जो लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी मतलब जब शॉर्ट क्वेश्चन आप याद करें तो लॉन्ग क्वेश्चन की भी साथ साथ आप तैयारी करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की होगी। तो नेक्स्ट पेज पर चैप्टर नंबर 20 के 7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इन 7 में से 4 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, मतलब एंड वाले जो 4 शार्ट क्वेश्चन हैं ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप देख लें। फिर हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 21 की जानिब। चैप्टर नंबर 20 के बाद चैप्टर नंबर 21, तो चैप्टर नंबर 21 के शुरू 6 शार्ट क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। टॉपिक वाइज ये शार्ट क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप लोगों को ढूंढने में भी बहुत आसानी रहेगी। और इन 6 शार्ट क्वेश्चन में जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं टोटल 4 शार्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 21 के नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये थोड़ा मिक्सअप हैं। व्हाट इवेंट अकर्स इन एन फेज ऑफ माइटोसिस, फिर इम्पोर्टेंट है, फिर कैंसर इज एन कंट्रोल सेल डिवीजन, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद जो मेटास्टेसिस है, डिफाइंड मेटास्टेसिस, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि साथ मिक्स हो गया, तो इसको आपने अलग से करना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेलिग्नेंट एंड बेनिग्न ट्यूमर, फिर डिफाइंड क्रॉसिंग ओवर, गिव इट्स ओवर और गिव जो है ये इकट्ठा हो गया, तो ओवर क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन करनी है और इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो देनी है। फिर व्हाट चेंज इन सेल टेक प्लेस ड्यूरिंग द
डिप्लोटेन ये अलग से शार्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 21 के लास्ट पांच शार्ट क्वेश्चन, जिनमें से एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप लोग देख लें, फिर हम चैप्टर नंबर 22 की जानिब मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 22 के यहाँ पे आप लोगों को 7 क्वेश्चन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो कि शुरू हो रहे हैं डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप से। तो इन 7 शार्ट क्वेश्चन में आप लोगों को 4 ऐसे शार्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आप किसी सूरत में भी नहीं छोड़ सकते। तो आप लोग जो हैं ये देख लें, फिर हम मूव करते हैं इससे नेक्स्ट पेज पर चैप्टर नंबर 22 के शार्ट क्वेश्चंस के। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पेज चैप्टर नंबर 22 का सेकंड एंड लास्ट, तो इसमें टोटल 6 शार्ट क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, और इन 6 शार्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मैंने आप लोगों को शुरू में भी कहा था कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन जो हैं बाकियों की निस्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और जिनके आगे इम्पोर्टेंट नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जस्ट मैं इम्पोर्टेंट मैंशन करने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23, बायोटेक्नोलॉजी, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, नेम टू प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों को 6 क्वेश्चन जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, और इन 6 क्वेश्चन में पहले 5 क्वेश्चन जो हैं सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 23 के। चैप्टर नंबर 23 का सेकंड और लास्ट पेज शार्ट क्वेश्चंस का, टोटल 7 शार्ट क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को पेज पर नज़र आ रहे होंगे। इन 7 शार्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चैप्टर नंबर 23 के बाद अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 24 की जानिब। चैप्टर नंबर 24 के शार्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर नंबर 24 में डिफाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से क्वेश्चन जो है वो शुरू हो रहे हैं। टोटल जो है 6 शार्ट क्वेश्चन जो हैं इस पेज पर आपको नज़र आ रहे होंगे, और इन 6 शार्ट क्वेश्चन में 4 ऐसे शार्ट क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 24, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, बल्कि नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और लास्ट पेज है, सेकंड एंड लास्ट पेज है। तो इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 24 के बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 25 की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 25 के तकरीबन 8 क्वेश्चन जो हैं शार्ट वो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो इनमें से आप लोग देख सकते हैं कि 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 25 का सेकंड और लास्ट पेज शार्ट क्वेश्चंस का, तो यहाँ पर 6 शार्ट क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, और इन 6 शार्ट क्वेश्चन में 3 शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आप लोग जो हैं कर लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 25 के बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 26 की जानिब।
चैप्टर नंबर 26 में पहला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा पांच चार क्वेश्चन जो हैं वो और दिए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट चार क्वेश्चन हैं, तो इनको आप लोग जो हैं देख लें। फिर हम चैप्टर नंबर 26 के सेकंड पेज की जानिब मूव करते हैं और उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 27 की जानिब। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 27 के तकरीबन जो हैं वो छः क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन छः में से दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 27 जो कि लास्ट चैप्टर है उसके शार्ट क्वेश्चन जो हैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तकरीबन तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आउट ऑफ सेवन क्वेश्चन में से, तो इनको जो है आप देख लें। फिर हम जो है वो इसके सेकंड पेज पर मौजूद शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 27 का सेकंड पेज शार्ट क्वेश्चंस का टोटल सिक्स शार्ट क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, और इन सिक्स शार्ट क्वेश्चन में से पहले चार शार्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप लोग जो हैं जल्दी से देख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों के बायो के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज चार क्वेश्चंस का गैस, और इस पेपर स्कीम जो है वो लाजमी देख लीजिएगा, उसी के मुताबिक जो है आप लोग तैयारी कीजिएगा, और जो है चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।